नेजी का वॉइस नोट आया लंबा चौड़ा इमोशनल वाला भूल से आया मुझे कंग्रेचुलेसन डी एम पे दैट वॉज़ वेरी स्वीट सादगी से ही होगा लेकिन अब वो बढ़ते बढ़ते ना थोड़ा सा लोग भी बढ़ रहे फ्रेंड्स में इंडस्ट्री में मैंने साई को बताया सबसे पहले इनफैक्ट निकाह करने के दो दिन पहले ही मैं साई से मिली थी मैंने उसको सारा कुछ बताया था कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट इज लाइक थोड़ा शौक हुआ आई यू शौक इतना जल्दी सटिया पता नहीं वॉज ए गुड गुड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू सो विशेज़ कहाँ से आए आपको बिकॉज मुझे तो लगता है डीएम से एन सारे व्हाट्सएप आपके हैंग हो गए होंगे कॉग्रेचुलेशन विशेज से बट कौन ऐसे वो हैं जो मतलब जिनका नाम सुनकर शायद आपके फैंस भी एकदम खुश हो जाएंगे कि हाँ आपके अगर मैं कहूँ बिग बॉस में जो आपके साथ कंटेस्टेंस रहे होंगे उनमें से किन्होंने किया एंड बाकी के जो इंडस्ट्री फ्रेंड्स तो हैं बॉस में से मुझे सबसे पहले साई ने किया नेजी का वॉइस नोट आया लंबा चौड़ा इमोशनल वाला ही वॉज वेरी हैप्पी से शौक़ दे दिया तुम तो मुझे मैंने कहा हाँ तो कहता है हाँ बट मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी आला दर्जे की जगह पे जाके ये चीज़ की मुझे बहुत खुशी हुई और मिलो जल्दी मैंने कहा इनशाला तो नेजी से आया साई से आया सना मकबूल से आया मुझे कंग्रेचुलेशन डी एम दैट वॉज वेरी स्वीट फिर मुझे दीपक सर से आया शिवानी से आया विशाल से आया दैट्स इट तो गिफ्ट कोई मिला अभी तक शादी का आपको शादी का गिफ्ट नहीं और मैं सबको बोल भी रही हूँ कि मुझे शादी में कुछ नहीं चाहिए आई थिंक आई जस्ट वन लोग आए और अपनी ब्लेसिंग्स दे मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए इतना बड़ा गिफ्ट खुदा ने दे दिया और क्या मांगू मैं मेहर में क्या मिला आपको मेहर में काफ़ी कुछ मिला है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो बताइए क्या मिला है बिकॉज आपके आई एम डैम श्योर आपके फैंस ज़रूर जानना चाहेंगे मेहर में क्योंकि मेहर सबसे बड़ी चीज़ होती है निकाह में ही गिफ्टेड मी मेरा डायमंड ब्रेसलेट Alhamdulillah, yeah. I told him it's not required, but या he really gifted me that, and I was like, oh my god, crazy. So yeah, या सोने की चेन और डायमंड Okay. So वो ब्रेसलेट की झलक कब तक आप दिखाने वाले हो ये तीन दिसंबर में आपको दिख जाएगी रिसेप्शन के दिन मैंने उनको बोला अब ये आप सबके सामने ही पहनाइएगा Okay. सो रिसेप्शन के लिए क्या प्लानिंग है आपकी सारी या मैं चाह तो रही थी कि बहुत सादगी से हो सादगी से ही होगा लेकिन अब वो बढ़ते बढ़ते ना थोड़ा सा लोग भी बढ़ रहे हैं पहले मैंने ये सोचा था कि मैं दुल्हन की तरह बैठूंगी भी नहीं कि मैं एक होस्ट की तरह एक नॉर्मल गेट टुगेदर होगा क्योंकि मुझे शादी शादी टाइप उस टाइप की नहीं चाहिए थी बट फिर मैंने सोचा इतने लोग आ रहे हैं और अगर मैं होस्ट की तरह खड़ी रहूँगी तो मुझे सबके पास जाना पड़ेगा इट्स बेटर कि मैं बैठ जाऊँ ताकि लोग मेरे पास जाए तो इस तरीके का है सादगी से मुंबई में ही होगा रिसेप्शन इन आना है ना आपने आपको इन्वाट करूँगी मैं जरूर आपका रिसेप्शन और हम नहीं आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है वेल well, आपने वाजी जी को क्या गिफ्ट दिया है मैंने ढेर सारी मोहब्बत <laughs> ये मत कहना आपने खुद को दे दिया है मोहब्बत के अलावा भी गिफ्ट भी होता है दी मैंने मैंने उनको रिंग गिफ्ट की है और बहुत खूबसूरत सी रिंग है उसकी झलक मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी okay. और उनकी चॉइस की मैंने दी वहीं पर okay. तो हम थोड़ा शॉपिंग के लिए गए थे तो एक चेयर उन्होंने मुझे दिलाई और मैंने उनको रिंग दिलाई अल्हम्दुलिल्लाह ओ नहीं मना कर रहे थे मैंने कहा नहीं है मेरी तरफ़ से प्लीज़